हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फ्लाई एयर के वेरी इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अभय और अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं, बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह तीन बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते। पॉइंट नंबर टू, कोई डाउट, कोई इशू, कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, या फिर मुझसे जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल, दोनों की आईडी फ्लाई एयर इंडिया है। वहां पे मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। और इंस्टाग्राम पे हर थर्सडे यानी बृहस्पतिवार रात 9:45 से मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं लाइव आकर, तो वहां भी जुड़ सकते हैं। और पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पे जो दिखा रहा है वहां दिखा रहा है कि ओनली 25% के आसपास लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए, एक मोरल बूस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं, इंडिगो एयरलाइंस में नई वैकेंसी कुछ आ रखी है। और डेफिनेटली ये वैकेंसी उतने वाइड रेंज पे ना हो दोस्तों, लेकिन डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी किस तरह से खास है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करें, सब कुछ जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं, ये है स्क्रीनशॉट इंडिगो एयरलाइंस का जो वेबसाइट है उसका। अभी फिलहाल में यानी आज की डेट में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, 12 वैकेंसीज हैं और उनमें सबसे जो बेस्ट वैकेंसी है जटी AOCS में आपको बता रखा है, एजेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव GSE, ये है वडोदरा, पुणे और मुंबई के लिए। 3 to 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट से आगे बात करता हूं। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी पुरानी है लेकिन वैकेंसी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये है फाइनेंस के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी कह सकते हैं आज की है, दैट इज अबाउट द इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। अगेन ये वैकेंसी है आपको डिजिटल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एनालिटिक्स, और ये सारे गुड़गांव के लिए हैं। अब बात करते हैं स्पेशल वैकेंसी के बारे में, जो कि 12 वैकेंसी में से सबसे जो टॉप की वैकेंसी है, एजेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वडोदरा पुणे मुंबई 3 to 10 years GSE के बारे में। दोस्तों, यहां पे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एबिलिटी टू कंडक्ट ऑल मेजर इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, यूजेस ऑफ द स्कैन टूल, रिपेयर ऑफ द इंजन मेंटेनेंस सिस्टम, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, टेक्निकल नॉलेज ऑन ऑल कंट्रोल मॉड्यूल। यानी कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ये जो वैकेंसी, इसके बारे में बताया गया है कि फ्रेशर्स या फिर ग्राउंड स्टाफ इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली GSE टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रीशियन इसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो है वडोदरा के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन सच एज डेली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, नैक बुक, हिस्ट्री कार्ड फॉर ऑल इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट इन्वेंटरी। यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। यू कैन सी हियर आउटटेक्स GSE डिपार्टमेंट, आपको है AOCS यानी एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज। फंक्शनल जो इक्विपमेंट है आपको, ग्राउंड सपोर्ट है एंड लोकेशन इज BDQ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लीज डू अप्लाई विदाउट एनी डिले। आगे मैं आपको और बता रहा हूँ। दोस्तों, एसोसिएट टेक्नीशियन कहीं ऑल ओवर इन इंडिया ये इंजीनियरिंग में वैकेंसीज आ रखी है। 0 to 2 years की वैकेंसी है, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 एंड AME डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एडवाइस करना चाहूँगा, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे है तब भी आप इसको अप्लाई कर दीजिए, कौन जानता है। लोकेशन जैसा मैंने बताया, आपको एनीवेयर इन इंडिया आपको मूव करना पड़ सकता है एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंडिगो एयरलाइंस में। और दोस्तों, आई एडवाइस, पर्सनली एडवाइस, इंडिगो में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको उस डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ, और जो भी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। अप्लाई करने में कोई भी डाउट है तो स्पेशल वीडियो बना रखा है ऊपर, जो आप आई बटन में देख पा रहे हैं, वहां जाके आप अप्लाई करें। कोई डाउट, कोई इशू, कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर जो मेरा वीडियो का कमेंट है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए एक रिज्यूम की जरूरत होगी। तो रिज्यूम कैसे बनाएं, उसके लिए ऊपर जो आई बटन में आप वीडियो देख पा रहे हैं उसे जरूर देखें, समझें। उसके बाद जो बात आती है, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें। और कोई डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए, इंडियो के बारे में कुछ और जानने के लिए, आप राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।